दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज हम लोग मैथ्स के इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर का एक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे पहल को कैसे लगाते हैं, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। और वीडियो जैसे भी लगेगी अपने भाई को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड का जो रिजल्ट है आपको इस राइट साइड के रिजल्ट के बराबर दिखाना है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार लगातार आया हुआ है, तो इसको करने का तरीका यह है कि आप उस साइड को चुनिए जिधर से चलना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो। तो अगर आप लेफ्ट साइड लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, 1 + sin a अंडर रूट में लिखा हुआ है, नीचे अंडर रूट में 1 - sin a ले लीजिए। अब आपको एक चीज़ सोचना है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये जो चीज़ जो है रूट से हट जाए। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा हुआ है और चाहते हो कि यह बाहर निकल जाए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा कि चूंकि दोनों सेम रूट के हैं मल्टीप्लाई होंगे, तो चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर इनका पेयर बना है तो ये बाहर हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अंडर रूट 1 + sin a को जो लिखा हुआ है, अगर उसको बाहर निकालना चाहते हो 1 + sin a को, तो आप जो है इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी के पोर्शन से ही। तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 + sin a लेके मल्टीप्लाई कर लो। तो ध्यान रखना, जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी। आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखो, अब चूंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएंगे और ये हो जाएगा 1 + sin a हो जाएगा। लेकिन देखो, ये चूंकि सेम तो है नहीं, क्लियर, तो इनका मल्टीप्लाई होगा बट अंडर रूट में ही रहेगा। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये है a - b और a + b के स्ट्रक्चर में है। तो पहले ये चीज़ पता रहना चाहिए कि अगर एक ब्रैकेट में a - b हो, दूसरे ब्रैकेट में a + b हो, तो जो प्रोडक्ट होता है वो a² - b² के बराबर होता है। यानी पहले पार्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ भी वही चीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है, और sin a में sin a का मल्टीप्लाई करोगे तो ये sin² a हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो गया 1 + sin a, इसको ऐसे आप लिख लीजिए। और आपने ये पढ़ा है कि जब sin² a + cos² a होता है तो रिजल्ट 1 के बराबर होता है। और ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos² a = 1 - sin² a। तो जहाँ पे 1 - sin² a है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos² a लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या लिख करिएगा, cos² a लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चूंकि देख रहे हो जो डिनोमेटर में आपने अंडर रूट जो cos² a लिखा है, तो वहाँ पे cos a का स्क्वायर तो बन रहा है, तो स्क्वायर रूट में cos a का स्क्वायर बन रहा है, तो cos a हो जाएगा बाहर। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, cos a। आई होप आपको तस्वीर में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं इस साइड में आपको मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो cos a है ना, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो अगर इसको आप अलग अलग करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos a + sin a upon cos a। अब 1 upon cos a किसके इक्वल होता है, इसी sec a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे sec a लिख दीजिए, और जहाँ पे sin a upon cos a है तो sin a upon cos a जो है वो 10 a के बराबर होगा, तो यहाँ पे आप 10 a लिख दीजिएगा। तो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो आप चाहिए, आपको चाहिए, या जिस चैप्टर में आप ज़्यादा फंस रहे हैं, उस क्वेश्चन उस चैप्टर की हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।